नतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यामनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामय्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्र जातां सगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरकृषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणवामि हरि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्ण। तो बहुत अच्छा लगा पुनः आप सबके बीच में यहाँ पर रविवार को मध्यकालीन सत्संग प्रोग्राम में आप पर बैठे हैं और भागवत की कुछ चर्चा करने की मुझे संधि प्राप्त हुई है। तो आज हम विशेष रूप से भक्तों के पांच निष्ठाओं के बारे में बात करने वाले हैं। शास्त्र वर्णन करते हैं कि जो भी भगवान हरि का भक्त होता है विशेष रूप से इन पांच चीजों में उसकी बहुत श्रद्धा होती है, बहुत निष्ठा होती है। भक्त का जो पूरा जीवन है इन पांच सिद्धांतों के ऊपर ही चलता है। तो एक एक करके हम उनके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं, पांच भक्तों की पांच निष्ठाओं के बारे में। सबसे प्रथम जो भक्तों को निष्ठा होती है वो होती है नाम निष्ठा। भगवान कृष्ण के भक्त को उनके नाम पर बहुत विश्वास रहता है। वो जानते हैं कि ये नाम ही है, प्रभु का नाम ही है जो उनको इस भव सागर से पार लेकर जा सकता है। वो जानते हैं कि भगवान और उनके नाम में कोई अंतर नहीं है और उसके प्रमुख उदाहरण श्रील हरिदास ठाकुर जी हैं। श्रील हरिदास ठाकुर जी अगर आप उनका जीवन चरित्र के बारे में चर्चा करेंगे या पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि श्रील हरिदास ठाकुर जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वो स्वयं ब्रह्मा जी थे जो कि श्रील हरिदास ठाकुर जी के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु के लीला में उनका आविर्भाव हुआ था। तो ब्रह्मा जी होते हुए भी वो क्या करते थे, उनका बहुत ही बड़ा उत्तरदायित्व था। उनका जीवन में वो प्रतिदिन हर रोज 192 हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे। हमारे इस्कॉन में बहुत से भक्तगण जप करते हैं और जो बहुत ही डेडिकेटेड होते हैं वो दिन में 16 माला का जप नियमित रूप से करते हैं। 16 माला का जप यानी 2 घंटा लगता है हरे कृष्ण महामंत्र जप करने के लिए। हरिदास ठाकुर जी कितने माला जप करते थे, दिन में 192 माला जप करते थे प्रतिदिन हर रोज। उसके बगैर खाना नहीं खाते थे, प्रसाद ग्रहण नहीं करते थे, उनका प्रण था। और बहुत ही अच्छी तरीके से वो ये 192 माला कैसे करते थे, उन्होंने 3 भाग करके रखे थे इसको। वो 64 64 64 के 3 भागों में ये हरे कृष्ण महामंत्र जपते थे। 64 माला वो क्या करते थे, मन में ही,
जैसे गुनगुनाते हैं वैसे मन में ही 64 माला जपते थे। 64 माला वो जैसे हम लोग जो इस्कॉन के साधक करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस प्रकार से माला पर जपते थे। और 64 बार वो बहुत जोर से जैसे अभी कीर्तन कर रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जोर से कीर्तन करते थे। बहुत से तथाकथित ब्राह्मण उस समय के उनको धिक्कारते थे, क्योंकि हरिदास ठाकुर जी का जो जन्म है वो मुस्लिम परिवार में हुआ था, और मुस्लिम परिवार के होने के कारण उस समय मुगल का साम्राज्य था, इतनी आसानी से आप अपने धर्म का पालन नहीं कर सकते थे, धर्म का पालन नहीं कर सकते थे, इसलिए उनको बहुत ही धिक्कारा जाता था समाज में, बहुत उन्हें झुकलाया जाता था। जब श्रीला हरदास ठाकुर जी का जन्म हुआ, और जैसे कि आप जानते हैं एक छोटा सा शिशु होता है, उनका जन्म होता है, तो सबसे पहले मुख खोलता है तो क्या बोलता है, क्या बोलता है, जो बच्चे होते हैं क्या बोलते हैं, माँ बोलता है, माँ या मम जो भी है, म से होता है। तो आचार्य बताते हैं कि ये जो म है वो अहंकार का प्रतीक होता है, मम। जब बच्चा शिशु पहली बार संसार में आता है तो सबसे पहले कौन सा शब्द बोलता है, म बोलता है, ये म अहंकार का प्रतीक होता है, अहंकार। जन्म से ही हमारे अंदर अहंकार भरा होता है, लेकिन हरिदास ठाकुर जी जैसे ही मुख बोले, बोले हरि, हरि हरि के नाम से गुणगान करने लगे, म नहीं बोले, डायरेक्ट क्या बोले, भगवान का नाम हरि बोलने लगे। तो इस प्रकार से जन्म से ही यह सिद्ध हो गया था कि हरिदास ठाकुर जी बहुत बड़े भगवान के भक्त बनने वाले हैं। लेकिन मुस्लिम घराने के योनि में आने के कारण क्या हुआ था, उनको बहुत ही एक नीचे के दर्जे के व्यक्ति माने जाते थे, लेकिन वो बिल्कुल नहीं रुकते थे। कथाकथित ब्राह्मण जो है क्या करते थे, हरिदास ठाकुर जी का कंप्लेन करते थे मुगल के राजा से, बोलते थे ये देखो ये मुस्लिम घराने में जन्मा है, इस्लाम फॉलो करना चाहिए, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये हिंदू धर्म के भगवान का नाम जप रहा है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तो एक बार जैसे हरिदास ठाकुर जी जप कर रहे थे, सब लोगों ने उनको पकड़ लिया और क्या किया, उनको राजा के सामने लेकर आए। राजा ने उनसे कहा, विनंती की कि आप ये हरे कृष्ण महामंत्र जप करना छोड़ दो, आप इस्लामी हो, आप अल्लाह का नाम जप करो। हरिदास ठाकुर जी ने कहा, नहीं, मुझे कृष्ण प्रिय है, इस्लाम में कोई दोष नहीं है, लेकिन मुझे कृष्ण प्रिय है, इसलिए मैं निरंतर उनके नाम का जप करता हूं। फिर वो राजा जो है भड़क गया, बोला अगर आप जप करना छोड़ोगे नहीं तो मैं आपके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, आपको मार दूंगा। तो हरिदास ठाकुर जी इतना ही बोले, खंड खंड करी देह यदि जाए प्राणा, तबा हुआ मी वदने ना छाड़ी वो हरि नाम। उन्होंने कहा आप मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हो, कर लो, मुझे मारना चाहते हो, आप मार लो, लेकिन इतना याद रखें अगर आप मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करोगे तो हर एक टुकड़े से केवल एक ही ध्वनि उत्पन्न होगी, वो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से भक्तों को जो है मरने का भी भय नहीं होता, इतनी निष्ठा होती है नाम में, यदि मरने का भी अगर भय हो तो उसको झुकला देते हैं, लेकिन हरि नाम में अपनी निष्ठा बनाए रखते हैं। भक्त किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, हमेशा हरि नाम में अपनी निष्ठा बनाए रखती है। कुंती महारानी भागवत में यही प्रार्थना करती है, बोलती है भगवान आप मुझे कितने भी कष्ट दो, लेकिन एक वरदान दो कि मैं आपको कभी भूलू ना। इसलिए कुंती महारानी कह रही है कि आप मुझे कष्ट दो, कष्ट दो, क्यों, क्योंकि कष्ट के समय में मुझे आपका स्मरण होता है। इसीलिए भक्त क्या कहते हैं, भक्तों को चिंता किस बात की रहती है, भक्तों को किस बात का डर रहता है कि वो भी कभी कृष्ण को नहीं भूले, यही उनका सबसे बड़ा डर है। मृत्यु उनका डर नहीं होता, जिस भगवान के शुद्ध भक्त है इसी बात का डर रहता है कि वो कृष्ण को ना भूले। तो इस प्रकार से भक्तों को जो है नाम में बहुत ही निष्ठा होनी चाहिए, क्योंकि भगवान का नाम ही है जो इस भवसागर से पार हमको लेकर जा सकता है, इसलिए नाम निष्ठा बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे तो कई सारे उदाहरण है शास्त्र में किस प्रकार से भगवान केवल भक्त जो है भगवान का नाम लेकर भवसागर को पार ले जाकर भगवत धाम की प्राप्ति करता है। लेकिन उसकी प्रमुख शिरोमणि है श्री हरिदास ठाकुर जी। हरिदास ठाकुर जी ब्रह्मा जी थे। अभी बहुत से लोग कभी क्या होता है उनको वक्त नहीं मिलता,
जप करने के लिए हम प्रचार करने जाते हैं, बोलते हैं प्यार प्रभु जी हम काम करते हैं, बीवी बच्चे हैं, जप करने के लिए समय नहीं। बहुत ही उत्तरदायित्व है, हम पे पूरे परिवार का उत्तरदायित्व है। यहाँ पर हरिदास ठाकुर जी सिखा रहे हैं, जब कृष्ण को उदाहरण देना होता है ना, तो कोई नीचे दर्जे का नहीं देते, सबसे ऊंचे दर्जे का उदाहरण प्रस्तुत कर देते हैं। अभी किसी को भी उठा सकते थे, मतलब किसी को भी नाम आचार्य बना सकते थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने किनको चुना? हरिदास ठाकुर जी को, उनको नाम आचार्य बोला। और नाम आचार्य मतलब हरिदास ठाकुर जी थे कौन? साधारण व्यक्ति नहीं है, स्वयं ब्रह्मदेव है। और हम पे एक परिवार का उत्तरदायित्व होता है, वो हम संभाल नहीं पाते, ब्रह्मदेव तो उनपे पूरी सृष्टि का उत्तरदायित्व है। लेकिन वो ये सिखाते हैं, जब हरिनाम की बारी आती है, जब भगवान के नाम का जप करने की अवसर प्रदान होता है, तब हरिनाम से बड़ा और कोई नहीं, इसलिए दिन भर केवल हरिनाम का जप करते रहते हैं। तो इसीलिए हरिदास ठाकुर जी से हम नाम निष्ठा के विषय में सीख सकते हैं कि किस प्रकार से भक्तों को जो है हरे कृष्ण महामंत्र के और नाम पर विश्वास होना चाहिए। इसीलिए श्रील रूपा जी ने हमसे कहा है कि हर रोज कम से कम 16 माला का जप करें, और 16 माला से अधिक होता है तो भी करें। जो भक्त नए हैं 2-3 माला से चालू कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके वो 16 माला जप करने तक यहां तक पहुंचना चाहिए, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो ये हो गया नाम निष्ठा के बारे में। दूसरी जो निष्ठा होती है भक्तों को, वो होती है वैष्णव या गुरु सेवा निष्ठा के प्रति। वैष्णव के सेवा के प्रति वैष्णव को बहुत निष्ठा होती है, वो वैष्णव की सेवा को सर्वश्रेष्ठ मानता है, भगवान की सेवा से भी ऊपर मानता है। भगवत गीता में भी कृष्ण कहते हैं कि जो मेरा सेवक है वास्तविक वो मेरा सेवक नहीं, लेकिन जो मेरे भक्तों की सेवा करता है वो मुझे अधिक प्रिय है। और इसका प्रमुख उदाहरण एक भक्त के जीवन में आता है, जो एक दक्षिण भारत में एक ब्राह्मण थे, बहुत ही बड़े वैष्णव थे, जिनका नाम था कांचीपूर्ण। ये कांचीपूर्ण जो है बहुत बड़े भक्त थे, इतने कि साफ साफ भगवान के विग्रह से बातें करते थे। जैसे आपके निताय सचिनंदन है, वो उनको क्या करते थे, चामर करते करते उनसे बात किया करते थे कि हे भगवान आप कैसे हो, आपने आज भोग में क्या खाया, और यही नहीं भगवान भी उनको उत्तर देते थे। तो इस प्रकार से आदान प्रदान उनके बीच में था, क्योंकि भगवान और उनके विग्रहों में शुद्ध भक्त कभी भेदभाव नहीं करता। जिन भक्तों को बहुत विश्वास होता है भगवान के विग्रहों में, भगवान उनके साथ आदान प्रदान करते हैं। और कांचीपूर्ण इतने उत्तम दर्जे के भक्त थे कि भगवान के विग्रहों से आदान प्रदान करते थे, भगवान से बात करते थे, और उनकी सेवा थी कि वो भगवान को चामर करें। तो इस प्रकार से उनका जीवन बीत रहा था, और सब लोगों को पता था कि कांचीपूर्ण इतने उत्तम दर्जे के भक्त हैं, उत्तम अधिकारी हैं। एक दिन एक वैष्णव आए और कांचीपूर्ण से कहे कि हे कांचीपूर्ण, आप तो भगवान के साथ डायरेक्ट बात करते हो, मेरा एक प्रश्न है आपसे, आप ये प्रश्न जो है भगवान को पूछ लीजिएगा। तो कांचीपूर्ण बोले क्या प्रश्न है? तो भक्त बोले मेरा एक प्रश्न है कि मैं जानना चाहता हूं कि मैं भक्ति कर रहा हूं, क्या मैं मृत्यु के बाद भगवत धाम को प्राप्त हो जाऊंगा, मरने के बाद क्या मैं भगवत धाम चला जाऊंगा? तो कांचीपूर्ण ने कहा ठीक है, मैं आपका ये प्रश्न जो है मेरे प्रभु वरदराज से पूछता हूं, उनके जो विग्रह है उनका नाम था वरदराज, तो उनसे पूछता हूं। उस दिन जब वो चामर कर रहे थे वरदराज जी को, तो उनके मन में ये विषय आया, तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, एक वैष्णव की जिज्ञासा है, एक वैष्णव ने आपसे एक सवाल पूछा है, वो सवाल क्या है, वो जानना चाहते हैं कि मृत्यु के बाद क्या वो भगवत धाम चले जाएंगे? वरदराज जी ने कहा अवश्य, बिल्कुल, ये जो भक्त है भक्तों की बहुत सेवा करता है, निश्चित ही रूप से उसको भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी, बोल दो जाकर उसे। कांचीपूर्ण बहुत खुश हो गए, बोले इसमें वैष्णव को बोलूंगा अभी कि ये मृत्यु के बाद जो है भगवत धाम चला जाएगा। फिर कांचीपूर्ण के मन में एक सवाल आया, तो उन्होंने कहा ये भक्त तो चला जाएगा, मैं मेरे विषय में पूछ लेता हूँ, ये भक्त तो भक्तों की सेवा करता, मैं तो डायरेक्ट भगवान की पूजा करता हूँ, उनसे बात करता हूँ डायरेक्ट, तो मैं तो निश्चित ही रूप से चला जाऊंगा, ऐसा उन्होंने सोच लिया। और उन्होंने वरदराज से पूछा क्या मैं भी जाऊंगा ना, मैं भी आपके पास आ जाऊंगा? वरदराज जी ने कहा नहीं नहीं, आपको थोड़ा समय है, आपको कहीं और जन्म लेने होंगे, उसके बाद आप आओगे,
लेकिन ये वचन तुरंत आ जाएगा। तो कांचीपूर्ण को इतना बड़ा शॉक लगा, इतना बड़ा धक्का लगा, मतलब एक वैष्णव जो केवल भक्ति करता है वो आपके पास आ जाएगा, लेकिन मैं आपके साथ डायरेक्ट बात करता हूं लेकिन मेरे आपके पास आगमन नहीं होगा, क्या मैं आपके पास नहीं आऊंगा जन्म के बाद? तो इस प्रकार से कांचीपूर्ण ने भगवान से पूछा कि भक्त आपके पास आएगा लेकिन मैं आपके पास नहीं आऊंगा, ये कैसे संभव है? तो वरदराज जी ने उनसे कहा, यहां पर एक तत्व बात समझाई कि मैं भगवद गीता में क्या कहता हूं कि जो तो कांचीपूर्ण को धक्का लगा कि वो बोलते हैं कि ये जो भक्त है आपके पास आ जाएगा कि मैं नहीं आऊंगा। तो वरदराज जी उनसे कहते हैं कि आप मेरी सेवा कर रहे हो लेकिन वो जो भक्त है वो अन्य भक्तों की सेवा कर रहा है, और भगवत गीता में मैं क्या कहता हूं, जो मेरी सेवा करता है उससे अधिक प्रिय मुझे वो व्यक्ति है जो मेरी भक्तों की सेवा करता है। इसीलिए वैष्णवों को जो है वो वैष्णव सेवा के प्रति बहुत निष्ठा होती है, वैष्णव सेवा निष्ठा। रामायण में भी एक कथा आती है शबरी जी की, आप सबों ने सुनी होगी। तो शबरी जी जब यौवन होती है, बालिका होती है, तभी मार्तंड ऋषि के आश्रम में आकर सेवा करती है, जब वो बहुत छोटी सी बालिका होती है, और तब से अपना जीवन मार्तंड ऋषि के आश्रम में भगवान की भक्ति में समर्पित करती है। उनकी सेवा क्या होती थी, सुबह सुबह मंगल आरती से पहले वो झाड़ू मारती थी और जैसे ही भक्तों वाले जो पीछे छुप जाती थी। तो वैष्णव का एक गुण है कि वो वैष्णव सेवा करता है लेकिन कभी भी अपने आप को केंद्रित नहीं करता, बीच में नहीं रखता। तो इस प्रकार से शबरी हर रोज प्रतिदिन क्या करती थी, टेम्पल में झाड़ू मारती थी, वैष्णव को खाना खिलाती थी, इस प्रकार से वैष्णव सेवा करती थी। बहुत समय बीत गया, मार्तंड ऋषि जो है बूढ़े हो गए। तो बूढ़े होने के कारण उनका भी समय आ गया, तो वो लेटे थे और शबरी बहुत रो रही थी। तो शबरी जी रो रही थी और कह रही थी कि हे गुरुदेव, कि अगर आप चले जाओगे तो मेरा क्या होगा, मैं भागवत कथा किसके मुख से सुनूंगी, अभी किसकी सेवा करूंगी। तो शबरी जी इस प्रकार से आशुघात भा रही थी। तो मार्तंड ऋषि ने उनसे इतना ही कहा कि हे शबरी, मैंने भगवान की सेवा की है, भगवान के अर्चो विग्रह की इतनी सेवा की है, मुझे भगवान के पास जाना पड़ रहा है, लेकिन हे शबरी, आपने वैष्णवों की इतनी सेवा की है, आपने भक्तों की इतनी सेवा की है, आपको भगवान के पास जाने की भी आवश्यकता नहीं, भगवान ढूंढते ढूंढते आपके पास आ जाएंगे, और आपको जाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपने भक्तों की सेवा की है। उसी प्रकार से जब हम भगवान की सेवा करते हैं हमें दुनिया देखती है, लेकिन जब हम वैष्णव की सेवा करते हैं हमें स्वयं भगवान देखते हैं। तो इसीलिए वैष्णव सेवा जो है भगवान को अति प्रिय है, और वैष्णवों को वैष्णव सेवा के प्रति बहुत निष्ठा होती है। वैष्णव सेवा कह लीजिए या गुरु सेवा, गुरु की वाणी की सेवा, गुरु से जो वचन किया है वो निभाना गुरु सेवा होता है। तुलसीदास गोस्वामी जी अपने रामचरितमानस में पहले ही संदर्भ में मंगलाचरण लिखते हुए कहते हैं कि मैं गुरु को प्रणाम नहीं करता, मैं गुरु के चरण को भी प्रणाम नहीं करता, लेकिन गुरु के चरण में जो रज लगी है, जो धूल लगी है, मैं उसको प्रणाम करता हूं। क्यों? और कहते हैं कि ये संजीवनी बूटी से भी बढ़कर है, मेरे गुरु के चरण में जो रज लगी है वो संजीवनी बूटी से भी बढ़कर है। क्योंकि संजीवनी बूटी क्या करती है, आपको जीवन मुक्ति से बचा लेती है, आपको अमरत्व प्रदान कर देती है, लेकिन गुरु के चरणों में जो धूल लगी है वो आपको जीवन मुक्ति के चक्र से पार ले जाकर भगवत धाम में स्थित कर सकती है। ये गुरु के चरण में लगी हुई रज की महिमा है। तो इसीलिए वैष्णवों को जो है गुरु सेवा और वैष्णव सेवा के प्रति बहुत ही निष्ठा होती है। तो अभी तक हमने दो निष्ठाओं के बारे में चर्चा की,
कौन कौन सी थी? सबसे पहले नाम निष्ठा। हर वैष्णव को जो है हरे कृष्ण महामंत्र के प्रति बहुत निष्ठा होनी चाहिए, बहुत निष्ठा होनी चाहिए। और दूसरी वैष्णव सेवा निष्ठा या गुरु सेवा निष्ठा। अभी तीसरी जो निष्ठा है वैष्णव को वो होती है तुलसी महारानी के प्रति, तुलसी निष्ठा। तो बहुत बार हर शास्त्र में तुलसी महारानी के बारे में वर्णन है। हमारी भारतीय संस्कृति इतनी उत्कृष्ट है, इतनी गुह्यतम, इतनी गुप्तम है, उत्तमम है कि कोई नास्तिक भी अगर होगा तो उसके घर के आंगन में तुलसी का पौधा होगा, क्योंकि तुलसी महारानी का महत्व इतना है। जहां जहां शास्त्र में कृष्ण के भक्ति के विषय में चर्चा हुई है वहां वहां तुलसी महारानी का जो वर्णन है अनिवार्य है, जरूरी है, क्योंकि तुलसी महारानी के बिना भगवान की भक्ति को प्राप्त कर ही नहीं सकते। भगवत गीता में भी जब कृष्ण भगवान अर्जुन को भक्ति के विषय में उपदेश देते हैं तो क्या कहते हैं? पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। सबसे पहले किसका स्मरण होता है? पत्रम। यहां पे पत्र यानी क्या? तुलसी का पत्ता। रणभूमि पर है कृष्ण, ये किसी भी क्रमांक में हो सकता था, बोल सकते थे फलम पुष्पम तोयम पत्रम, किसी भी क्रमांक में हो सकता था, लेकिन सर्वोत्तम उनको किसके बारे में स्मरण हुआ? पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्रम तुलसी के पत्ते, पत्ते के बारे में सबसे पहले उनको स्मरण हुआ। भगवान कृष्ण के जो भक्त है प्रतिदिन क्या करते हैं? तुलसी के पत्ते को कृष्ण के चरणों में या पिता सच्चिदानंद के चरणों में अर्पण करते हैं, प्रतिदिन करते हैं। हमारे इस्कॉन में भी आप देखेंगे सुबह और शाम को प्रमुख जो इस्कॉन के मंदिर होते हैं उनमें बाकी तो आरती एक ही बार होती है, लेकिन तुलसी आरती दो बार होती है, सुबह भी होती है शाम को भी होती है, क्योंकि भागवत में वर्णन है कश्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। तो आप पूरा भागवतम देखेंगे, भागवतम का अगर सार है तो वो दसवां अध्याय है, और दसवें अध्याय में जो कृष्ण लीला है वो सार है, और कृष्ण लीला में भी जो भगवान की रास लीला है वो सबसे ऊपर का ऊपर मानी गई है। तो उसमें एक श्लोक आता है कश्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। ये वो प्रसंग है जो भगवान रासलीला करते हैं गोपियों के साथ, और रासलीला करने के बाद गायब हो जाते हैं। तो गायब होने के बाद सभी जो गोपियां हैं व्याकुल हो जाती हैं शोक से और पागल हो जाती है, और हर एक वृक्ष से पूछती है कि हे अशोक के वृक्ष, क्या आपने मेरे गोपीनाथ को देखा? अशोक यानी जो शोक से रहित हो उसे अशोक कहते हैं। हे अशोक के वृक्ष, क्या आपने मेरे गोपीनाथ को देखा? हे कदम के वृक्ष, क्या आपने मेरे माधव को देखा? तो इस प्रकार से गोपियां पूछते हैं हरे वृक्ष से। तो एक गोपी बोलती है अरे ये सब वृक्ष से आप क्या पूछ रहे हो, ये वृक्ष आपको कृष्ण के पास नहीं लेकर जा सकते। अगर आपको कृष्ण चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? कश्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय, तुलसी की शरण लो। आप तुलसी की शरण लोगे फिर ही आपको गोविंद की प्राप्ति होगी। एक बार वैकुंठ में लक्ष्मी जी और तुलसी देवी जी के बीच में संवाद हो रहा था। लक्ष्मी जी बोल रही थी हे तुलसी देवी, आप कितने भाग्यवान हो, कितने भाग्यवान हो आप। मैं जब किसी को वरदान देने जाती हूँ इस धरती पर, आप जानते हैं कि इस धरती पर बहुत से लोग लक्ष्मी देवी जी के व्रत करते हैं, मार्गशीर्ष में लक्ष्मी देवी को प्रसन्न करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो क्या होता है, लक्ष्मी देवी जी कहती है कि जब कोई संसार में व्रत करता है तो मुझे भगवान के वक्त स्थल को त्याग कर इस धरती पर आना पड़ता है उस भक्त का उद्धार करने के लिए, उसे आशीर्वाद देने के लिए। लक्ष्मी जो है भगवान के वक्त स्थल पर निवास करती है, और जब कोई यहाँ पर धरती पर उनका उपासक उनकी भक्ति करता है उनकी पूजा करता है तो लक्ष्मी जी को क्या करना पड़ता है, भगवान के वक्त स्थल को त्याग कर इस धरती पर आना पड़ता है उन्हें आशीर्वाद देने के लिए। लेकिन उनको भगवान का वक्त स्थल त्यागना पड़ता है, इसीलिए वो ज्यादा देर तक यहाँ पे नहीं रुकते, वो तुरंत आशीर्वाद लेकर निकल जाती है अपने प्रभु के पास। तो इस प्रकार से जो है लक्ष्मी जी को शास्त्र में चंचल बताया गया है, वो एक जगह पर स्थित नहीं है, लेकिन वो कहती है तुलसी देवी आप कितने भाग्यवान हो, मेरी जो भक्ति करता है मैं उसे तुरंत आशीर्वाद देके वापस आ जाती हूँ,
लेकिन जो आपकी उपासना करता है, आपकी भक्ति करता है, आप जब उनका उद्धार करने चाहते हो, आप जब उनको आशीर्वाद देना चाहते हो, तो आप अपने साथ साथ भगवान के चरण कमलों को भी अपने साथ लेकर जाती हो, क्योंकि आप जो है भगवान के चरण कमलों को कभी त्यागती नहीं हो। इसलिए जो आपकी उपासना करता है, आपकी भक्ति करता है, उसे निश्चित ही रूप से कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। एक बहुत ही उसका सुंदर उदाहरण है, एक छोटा सा बालक था, ये छोटा सा बालक अनाथ था, और अनाथ होने के कारण उसके पास ना तो माता पिता थे, ना घर बार था, ना कोई धन था, और वो अनाथों की तरह घूमता रहता था। हर दिन रात को किसी एक वृक्ष के नीचे सोता था, अलग अलग वृक्ष के नीचे। लेकिन इस बच्चे की एक खासियत थी, इसे भगवान श्री रामचंद्र के चरणों के प्रति बहुत प्रेम था, भगवान की बहुत भक्ति करते थे। तो एक दिन क्या हो गया था, वो एक वृक्ष के नीचे सो रहे थे, और वृक्ष के नीचे सो रहे थे, बहुत ही ठंडी थी, रात का मौसम था, और इस बच्चे को कांपते हुए देखकर रामचंद्र जी के विग्रह स्वयं मंदिर से चलकर आए और इस बच्चे के छाती को लपेटकर सो गए। और सो गया, रात भर क्या किया भगवान की जो विग्रह है इस बच्चे के चेस्ट को आलिंगन करके वो सो रहे थे रात भर। सुबह उठकर लोगों ने देखा मंदिर में तो गायब, भगवान की मूर्ति गायब। तो लोगों ने ढूंढना शुरू किया कि भगवान के विग्रह गए किधर। तो ढूंढा तो इस बच्चे के छाती से लपेट कर सो रहे। उनको लगा इस बच्चे ने मंदिर से विग्रहों को चुराया है, जो कि बिल्कुल सत्य नहीं था। इस प्रकार से उस बच्चे को उठाया और कहा कि तुम चोर हो, तुमने मंदिर से जो है भगवान श्री रामचंद्र जी के विग्रहों को चुराया है। इस बच्चे ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने नहीं चुराया इन विग्रहों को, मैं तो पहली बार इन विग्रहों को देख रहा हूं। लेकिन लोगों ने एक नहीं सुनी, और वहां पर एक ऋषि मुनि थे जो देख रहे थे। तो सभी लोगों ने निश्चय कर लिया कि इस बालक को हम इस गांव से बाहर निकालेंगे, इसे फेंक देंगे, क्योंकि ये द्रोही है, इसने अपराध किया है भगवान के विग्रहों को चुराकर। तो इस ऋषि मुनि ने कहा अगर आप इस बालक को फेंकना ही चाहते हैं तो मैं क्या करता हूं, मैं इस बालक को अपने साथ साथ अपने आश्रम में लेकर जाता हूं, इसको कुछ सेवा दे दूंगा, इसका भी कुछ परिवर्तन हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस ऋषि मुनि ने इस बालक को अपने साथ अपने आश्रम में लेकर वो आए, और जब आश्रम में लेकर आए तो उस बालक को उन्होंने सेवा दी। उन्होंने कहा कि अगले 5 साल तक आप क्या करोगे, 5 साल तक आप तुलसी महारानी की सेवा करोगे, तुलसी महारानी को जल अर्पण करोगे, उन्हें दिया दिखाओगे, उनके पत्ते गोविंद के चरण में अर्पण करोगे। अगले 5 साल की सेवा उसकी तय की गई, और ये बच्चा निरंतर 5 साल तक तुलसी महारानी की सेवा करता था। इस बच्चे का ना तो कोई आता पता था, ना कोई माँ बाप थे, लोग से अनाथ के नाम से बुलाते थे, लेकिन तुलसी महारानी की इतनी कृपा हुई कि भविष्य में जिस बच्चे का कोई नाम था, पूरा विश्व इस बच्चे को तुलसीदास गोस्वामी जी के नाम से जानने लगा। भविष्य में जिनके मुख से रामचरित्र मानस की गंगा बही, और ये क्यों हो पाया, क्योंकि उन्होंने तुलसी महारानी की सेवा की। तो जो जो व्यक्ति तुलसी महारानी की सेवा करता है, निश्चित ही रूप से उसे कृष्ण प्रेम की प्राप्ति मिल जाती है। तो यह तुलसी महारानी की महिमा है। तो इसीलिए भक्तों को क्या करना चाहिए, तुलसी का पौधा अपने घर में रखकर, केवल रखना नहीं है, उसकी पूजा करनी है, उसे जल चढ़ाने हैं, भोग लगाते समय तुलसी के पत्ते जो है खाने में अर्पण करके भगवान को भोग लगाना है, तो भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। बहुत इसका बड़ा व्याख्यान है शास्त्र में। भगवान कहते हैं जो मुझे तुलसी का पत्र अर्पण करता है और हाथ में थोड़ी गंगा लेता है, जैसे कि भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्रम यानी तुलसी का पत्ता, पुष्पम यानी फूल, फल यानी फल, और तोयम यानी गंगा। जो मुझे तुलसी का पत्ता और गंगा, जो अपने हाथ में चुल्लू भर गंगा लेकर उसमें तुलसी का पत्ता मुझे अर्पण कर देता है, शास्त्र में तो बहुत सुंदर उल्लेख है। वो कहते हैं कि जो भक्त मुझे गंगा तुलसी समेत अर्पण कर देता है, मैं इतना ऋणी हो जाता हूं कि पानी सर के ऊपर चढ़ जाता है, क्योंकि एक तुलसी के पत्ते में जो उपासक है, भक्त है, पूरे ब्रह्मांड को खरीद लेता है। और मैं इतना ऋणी हो जाता हूं कि मैं अपने आप स्वयं को उस उपासक के चरणों में बेच देता हूं। इतने ऋणी हो जाते हैं भगवान जब एक
छोटा सा तुलसी का पत्ता कोई उनको अर्पण करता है। तो इसीलिए हमें निरंतर रूप से तुलसी के पत्ते को नित्य सच्चिदानंद के चरणों में अर्पण करना चाहिए। अभी चैतन्य चरितामृत में ही देख लीजिए, नित्य सच्चिदानंद जी जो चैतन्य महाप्रभु है उनका आविर्भाव आने वाला है अगले हफ्ते, तो वो स्वयं कहते हैं कि मैं तो आराम से सो रहा था शिव सागर में, श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मैं तो सो रहा था, ये अद्वैत आचार्य ने मुझे खरीद लिया। अद्वैत आचार्य ने क्या किया, जब उन्हें भगवान को बुलाना था नीचे तो गंगा के तट पर गए और उन्हें श्लोक स्मरण हुआ, उन्होंने अपने हाथ में गंगा का पानी लिया, उसमें तुलसी का पत्र अर्पण करके भगवान को जोर जोर से बुलाने लगे, जिसके कारण श्री चैतन्य महाप्रभु का इस संसार में क्या हुआ, आविर्भाव हुआ। तो केवल एक तुलसी का पत्र अर्पण करने से भक्त जो है भगवान को खरीद लेते हैं और भक्त जो है भगवान जो है बिक भी जाते हैं। तो इसीलिए तुलसी निष्ठा होना बहुत जरूरी है। अभी तक हमने तीन निष्ठाओं के बारे में चर्चा किया, कौन कौन सी थी, नाम निष्ठा, वैष्णव सेवा निष्ठा, तुलसी निष्ठा। इन तीन निष्ठाओं के प्रति बहुत आसक्ति होनी चाहिए वैष्णव की। चौथी जो निष्ठा है वो है भागवत निष्ठा। भक्तों को भागवत के प्रति बहुत निष्ठा होनी चाहिए। प्रतिदिन क्या करते हैं वैष्णव, श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, उसे श्रवण करते हैं। श्रीमद् भागवतम को ग्रंथराज कहा जाता है, सभी ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ क्या है, श्रीमद् भागवतम है। जब वेद व्यास जी ने सारे पुराणों की उपनिषदों की रचना कर दी, सारे वेदों की रचना कर दी और इतना सारा वेद लिखकर भी वो संतुष्ट नहीं हुए, वो तट पर बैठे रहे और बहुत उदास थे और वो कह रहे थे कि मैंने संपूर्ण वेद तो लिख लिया लेकिन मुझे संतुष्टि प्राप्त क्यों नहीं हो रही है, इसलिए बहुत चिंतित थे। तब उनके गुरु श्रील नारद मुनि जी आते हैं और नारद मुनि कहते हैं हे वेद व्यास जी आप इतने उदास क्यों हो, संपूर्ण वेद की तो आपने रचना कर दी है। तो वेद व्यास जी कहते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है गुरुदेव कि मैंने पूरे वेदों की रचना कर दी, 17 पुराण लिख दिए, 108 उपनिषद लिख दिए, लेकिन मुझे अभी तक संतुष्टि क्यों नहीं मिल रही है, कृपया आप मुझे मेरे संशय को दूर करें। तो नारद मुनि ने कहा आपने 17 पुराण लिख दिए, 108 उपनिषद लिख दिए, आपने तरह तरह के ग्रंथ लिखे लेकिन आप ऐसा ग्रंथ लिखना भूल गए जो भगवान की शुद्ध भक्ति के बारे में वर्णन करता हो, क्योंकि आपने क्या लिखा, आपने सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के अलग अलग साधन लिखे वेद में लेकिन भगवान की शुद्ध भक्ति का वर्णन करने के लिए आप भूल गए। इसीलिए आपने जो नारद मुनि इतना उन्हें डांटते हैं वेद व्यास जी को, कहते हैं आपने जो पूरे शास्त्र लिखे हैं वेद लिखे हैं वो कुत्ते के मल के समान है, कुछ फायदा ही नहीं है इसका, इतना मतलब डांटते हैं। वो बोलते हैं क्यों, क्योंकि आप जो है रस लिखना भूल गए हो, इसका सार लिखना भूल गए हो, इसलिए आप क्या करो अपने आपने 17 पुराण लिखते हैं, अपने 18वां पुराण लिखो और जो क्या है भागवत पुराण, और भागवत पुराण में श्लोक आता है कि सारे शास्त्रों में श्रीमद् भागवतम सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए भक्तों को जो है श्रीमद् भागवतम के प्रति बहुत निष्ठा होती है। श्रीमद् भागवतम है क्या, श्रीमद् भागवतम स्वयं भगवान ही है। जिस प्रकार से भगवान सिंह का रूप लेकर नरसिंह बनते हैं, पीक का रूप लेकर वराह बनते हैं, उसी प्रकार से जब वो पुस्तक का रूप धारण करते हैं तो श्रीमद् भागवत बनते हैं। श्रीमद् भागवत और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, इसीलिए श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भागवत और श्रील प्रभुपाद जी की कोई भी पुस्तक हो, छोटी छोटी पुस्तकें भी हो, जो भी श्रीमद् भागवत से अभिन्न है, अगर आप श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकों का नियमित रूप से अध्ययन करेंगे और श्रीमद् भागवत का पठन पाठन करेंगे तो निश्चित ही रूप से आपको जो है भगवत प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। एक पद्म पुराण में इसका उल्लेख आता है, एक व्यक्ति होता है गोकर्ण और ये गोकर्ण का भाई होता है धुंधुकारी, और ये दोनों भाई होते हैं लेकिन वो इतने उनका स्वभाव अलग रहता है। गोकर्ण जो होता है साधु होता है, वैष्णव होता है, भक्तों की सेवा करता है, भागवत पढ़ता है, और जो धुंधुकारी होता है इतना कपटी होता है, इतना खल होता है, दुनिया भर के सारे पाप कर लेता है। और वर्णन आता है
प्रतिदिन किसी का खून खराबा करना, जुआ खेलना, चोरी करना, यहां तक इतना गिरा हुआ व्यक्ति होता है कि जब शादी की बात आती है वो तीन तीन वेश्याओं से जाकर शादी कर लेता है। और वेश्याओं से शादी करने का वेश्या तो किसी की पत्नी बनी नहीं सकती, उनके सिर्फ अलग अलग डिमांड्स होते हैं, उनकी सिर्फ इच्छाओं की तृप्ति करनी होती है। तो एक दिन क्या हो गया, इन वेश्याओं ने सोच लिया कि जो धुंधकारी अभी किसी काम का नहीं रहा, क्योंकि हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो चुकी है और इच्छाएं पूरी करने की इसमें क्षमता नहीं है। तो वेश्याओं ने इसके मर्डर का प्लान बनाया। तो तीनों वेश्याओं ने मिलकर क्या किया, धुंधकारी को बांध लिया और उसके मुंह में गर्म लोहा डाल दिया और उसे मार दिया। तो इस प्रकार से दर्दनाक मृत्यु हुई धुंधकारी की। अभी मृत्यु के बाद भगवान कहते हैं अंतकाले च मामेव स्मरण उक्त्वा कलेवरम, अंत में जो मेरा स्मरण करेगा वो इस बहु सागर से पार हो जाएगा। अंत में अंतिम समय जो स्मरण करता है उस प्रकार की उसे अगले जन्म में शरीर प्राप्त होता है। और धुंधकारी तो खल था, कपटी था, इतना पापी था कि उसे अगले जन्म में कैसा शरीर मिलेगा, बहुत ही दर्दनाक मिलेगा। इसलिए धुंधकारी जो है उसे कोई शरीर ही नहीं मिला, उसे भूत बनकर भटकना पड़ा। तो गोकर्ण को यह समझ में आ गया, क्योंकि वो महाभागवत था, उसे समझ में आ गया कि मेरा जो भाई है उसकी मुक्ति नहीं हुई है। तो क्या किया, उसे पता चल गया कि मेरा भाई मर चुका है, तो वो गया गए। जैसे आप जानते हैं कोई भी हमारा गुजरता है तो हम गया में जाकर उसका श्राद्ध करते हैं, क्योंकि गया में जो है विष्णुपाद है, जिसके कारण अगर कोई गया में जाकर अपने पूर्वजों का श्राद्ध करता है तो निश्चित ही रूप से उनके पूर्वज मुक्त हो जाते हैं। और गोकर्ण भागवत था, महाभागवत था, इसलिए वो समझ गया कि मुझे अभी गया में जाकर क्या करना है, श्राद्ध करना है। तो गोकर्ण अपना भाई का श्राद्ध करने के लिए गया गए और वहां पर उन्होंने पिंडदान किया और वापस आए। और वापस आकर एक बार वो एक वृक्ष के नीचे बैठ गए थे और रात का अंधेरा था, तो वृक्ष बोल रहा था, वृक्ष ने ध्वनि दी, बोले हे मेरे प्रिय भाई गोकर्ण, क्या मुझे सुन सकते हो। तो गोकर्ण ने सोचा ये कहां से ध्वनि आ रही है, तो वृक्ष के पास देखकर बोला, तो वृक्ष बोलने लगा, मैं आपका भाई धुंधकारी हूं, मैंने इतने पाप किए हैं कि मुझे कोई शरीर भी नहीं मिल रहा है। गोकर्ण बोले मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि शास्त्र में सबसे ऊंची विधि क्या है, गया में जाकर श्राद्ध करो, गया में तो मैंने श्राद्ध कर दिया, अभी मैं क्या करूं, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। तो धुंधकारी बोला आपने गया में जाकर एक बार श्राद्ध किया ना मेरा, आप हजार बार मेरा श्राद्ध करोगे फिर भी मेरी मुक्ति नहीं होगी, मैंने इतने पाप का भंडार करके रखा हुआ है। तो बोले अब कुछ तो करो, मुझे बचाओ। गोकर्ण हैरान रह गए, बोले कैसे, मैं क्या कर सकता हूं। अलग अलग साधु से जाके बात करने लगे कि इस प्रकार से हुआ है, कृपया मेरी मदद करें। साधु बोले जिसका मुक्ति हजार बार गया में पिंडदान करने से भी नहीं होगा, उसका मुक्ति कैसे संभव है। फिर एक वैष्णव था उधर, एक साधु था, वो बोले जिसकी मुक्ति हजार बार पिंडदान गया में करने से भी संभव नहीं है, उसकी मुक्ति केवल एक रास्ते से हो सकती है, वो क्या है, आप श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन करो और धुंधकारी को बुलाओ और उसे कहो कि सात दिन तक निरंतर आप भागवत श्रवण करो। तो इस प्रकार से गोकर्ण ने कहा ठीक है, चलो हम आज भागवत सप्ताह का आयोजन करेंगे। तो इस प्रकार से पूरे गांव को निमंत्रण दिया गया, बहुत बड़ा भागवत सप्ताह का आयोजन किया गया और सात दिन तक निरंतर गोकर्ण को कहा गया कि आप भागवतम दो। और वहां पर एक डंडा लाकर रख दिया और डंडे में कहा धुंधकारी आप आकर इस पर बैठ जाओ, और उस डंडे को सात रस्सियों से बांध दिया, सात गांठें बांध दी। और पहला दिन हुआ, गोकर्ण हर दिन क्या करते थे, श्रीमद् भागवत का कथन करते थे। पहला दिन हुआ, पहली गांठ छूटी, दूसरा दिन हुआ, दूसरी गांठ छूटी, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां दिन जब हुआ, जब सातवीं गांठ छूटी तो वैकुंठ से विष्णुदूत विमान लेकर आ गए और क्या किया, धुंधकारी को कहा बैठ जाओ इसमें, और धुंधकारी को क्या किया, वो भगवत धाम लेकर चले गए। तो जिसकी मुक्ति गया में श्राद्ध करने से भी मुमकिन नहीं थी, उसकी मुक्ति होगी, उसे मुक्ति नहीं भगवत धाम की प्राप्ति हो गई केवल भागवत के श्रवण करने से। इसीलिए भक्तों को जो है भागवत में बहुत निष्ठा होती है, इसलिए वो प्रतिदिन क्या करते हैं, आप देखेंगे ना सुबह मंदिर में श्रीमद् भागवतम की क्लास होती है इस्कॉन के मंदिर में,
तो इसीलिए क्यों, क्योंकि श्रीमद् भागवत जब कोई स्मरण करता है, पढ़ता है, तो निश्चित ही रूप से उसे कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। श्रील प्रभुपाद जी ने एक बुक लिखा, पुस्तक लिखी, कृष्णा बुक, और वो कहते, एक बार अपने शिष्य को बता रहे थे, कृष्णा बुक यानी भागवत का 10वां अध्याय है, जहां पे विस्तार रूप से कृष्ण की लीला का वर्णन किया गया है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने किताब लिखी, एक कृष्ण बुक लिखा, और उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि अगर कोई मेरी कृष्णा बुक पढ़ता है तो निश्चित ही रूप से उसे कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। तो शिष्य ने कहा वाह क्या बात है। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा पूरा पुस्तक छोड़ो, कोई आधा पुस्तक भी पढ़ेगा ना फिर भी उसे कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। शिष्य बोले वाह जय प्रभुपाद क्या बात है बहुत बढ़िया। श्रील प्रभुपाद जी बोले आधा पुस्तक छोड़ो, कोई एक अध्याय भी पढ़ेगा, एक चैप्टर भी पढ़ेगा ना कृष्णा बुक से फिर भी उसे कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। भक्त और खुश हो गए। श्रील प्रभुपाद जी बोले एक चैप्टर छोड़ो, एक लाइन भी अगर कोई पढ़ेगा ना फिर भी उसे कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो गई। तो सब बहुत उल्लासित हो गए, बोले जय प्रभुपाद क्या बात है। श्रील प्रभुपाद जी बोले एक लाइन छोड़ो, एक कोई उत्तर भी पड़ेगा ना, एक वर्ड भी पड़ेगा कृष्ण बुक से फिर भी उसे जो है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति निश्चित है, केवल समय का अंतर है। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी ने हमें इतनी सारी पुस्तकें दी है, तो इन पुस्तकों का नियमित रूप से हमको क्या करना है, अध्ययन करना है नियमित रूप से। इसलिए जैसे हम श्रील प्रभुपाद जी पुस्तकों का अध्ययन करेंगे, हमारी जो निष्ठा है बाकी में, तुलसी निष्ठा, नाम निष्ठा, भागवत निष्ठा, इनमें खुद ब खुद निष्ठाएं बढ़ जाएगी। तो इसी के नियमित रूप से वैष्णव क्या करते हैं, श्रील प्रभुपाद जी के पुस्तकों का अध्ययन करते हैं। ये चौथी निष्ठा हो गई। और अभी अंत में पांचवी जो निष्ठा होती है वैष्णव को, वो क्या होती है, एकादशी निष्ठा। वैष्णव को एकादशी के प्रति बहुत निष्ठा होती है। एकादशी जैसे आप जानते हैं कि हमारे हिंदू कैलेंडर में 15 दिन की एक अवधि होती है, और दो बार जब 15 दिन होते हैं वो एक माह होता है। तो इस प्रकार से एक महीने में दो बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की। और वैष्णवों के लिए एकादशी बहुत महत्वपूर्ण होता है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि सारे दिनों में से मैं एकादशी हूं, और एकादशी व्रत जो पालन करता है वो मुझे बहुत प्रिय हो जाता है। इसका एक केवल आपको बुक ही मिलेगा, हर एक एकादशी पे अलग अलग महत्व होता है। और भगवान की भक्त क्या करते हैं, हर एकादशी को उपवास करते हैं। उपवास करना यानी अन्न ग्रहण ना करना। बहुत से भक्त तो निर्जला भी करते हैं, बिना पानी पिए हुए उपवास करते हैं एकादशी को, क्योंकि भगवत गीता में भगवान कहते हैं अगर किसी को तपस्या करनी है तो एक प्रमुख तपस्या है उपवास करना। ठीक है, और उपवास करने से क्या होता है, आप भगवान के बहुत प्रिय हो जाते हैं। ये एक तरह की तपस्या है, हमें मनुष्य जीवन मिला है, मनुष्य जीवन मिलकर हमें कुछ तपस्या करनी चाहिए, क्योंकि जो प्राणी होते हैं पशु पक्षी ये लोग तपस्या नहीं कर सकते, ये तो सिर्फ इंद्रिय तृप्ति करते हैं, लेकिन मनुष्य जीवन प्राप्त होकर हमें तपस्या करनी चाहिए। और सबसे प्रमुख तपस्या क्या है कि आप उपवास करो। उपवास करने से भगवान को आप प्राप्त कर सकते हो। उपवास करने का ये कारण है कि आप उपवास करोगे, ज्यादा दिन आपको भोजन बनाने में व्यर्थ नहीं करना पड़ेगा, केवल आप पूरा दिन भगवान का भजन कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं। तो अधिकतर भक्त क्या करते हैं, बिना पानी के निर्जला कर देते हैं एकादशी को। अगर आप निर्जला नहीं कर सकते तो आप स्वजला करते हैं, पानी पीकर करते हैं। पानी पीकर भी अगर नहीं होता है तो फल फूल फल खाते हैं, फलों से एकादशी, स्वफला एकादशी भी होती है। अगर फल भी आपके लिए आपको संतुष्ट नहीं करता है तो फिर दिनचर्या कुछ सब्जियां हैं जो खाकर आप संतुष्ट हो सकते हैं। लेकिन एकादशी को कोई अन्न ग्रहण नहीं करता, अन्न ग्रहण करना वर्जित है। व्यास जी हर एक महिमा में लिखते हैं कि जो भी भक्त कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है वो एकादशी के दिन अन्न ग्रहण ना करे, ना करे, ना करे, तीन बार कहते हैं, बोले वर्जित है। एक बार श्री चैतन्य चरितामृत में ये वर्णन आता है, श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी मां से कहते हैं कि हे सच्ची माता, मेरी आपसे एक विनती है कि आप एकादशी का व्रत करो। एकादशी का व्रत सच्ची माता पहले नहीं करती थी, और श्री विद्या सच्चिदानंद ने अपनी मां से प्रार्थना की कि कृपया करके आप एकादशी का व्रत करो, क्योंकि एकादशी का व्रत करने से आप भगवान को बहुत प्रिय हो जाते हो, इसीलिए एकादशी का व्रत नियमित रूप से करना चाहिए।
तो इस प्रकार से अगर आप पुस्तक पढ़ेंगे, हर एक एकादशी का एक एक महात्म्य है। संक्षिप्त में उस महात्म्य में इतना ही लिखा गया है कि कितना बड़ा व्यक्ति पापी क्यों ना हो, कि कोई भी श्राप से गुजर क्यों नहीं रहा हो, लेकिन अगर वो एकादशी का व्रत जाने अनजाने में भी करेगा तो सब पाप सब श्रापों से मुक्त होकर उसे मृत्यु के बाद भगवत धाम की प्राप्ति निश्चित ही रूप से हो जाती है। इसीलिए भक्त क्या करते हैं, एकादशी के प्रति उन्हें बहुत निष्ठा होती है, एकादशी व्रत करते हैं। एकादशी का व्रत करना मतलब उपवास रखते हैं, अन्न ग्रहण नहीं करते हैं और बहुत भक्ति करते हैं उस दिन। तो इसीलिए ऐसा कहा गया है जो एकादशी के दिन भक्ति करता है, जैसे कि आप सब लोग माला जपते हैं, एकादशी के दिन अगर आप एक भी माला जपोगे तो उसका हजार गुना ज्यादा आपको लाभ मिलता है। जैसे कि कभी कभी मार्केट में सेल लगता है, बोलते 20% ऑफ, 50% में दे रहे हैं, तो सब भीड़ लगा देते हैं और जितना चाहिए जितना सब खरीद लेते हैं पूरे साल भर का। उसी प्रकार से जैसे एकादशी का व्रत है वो कैसा है, सेल है, डिस्काउंट है, भगवान क्या कर रहे हैं इस दिन बहुत भक्ति करो और जितना चाहिए लूट लो। और इसलिए आप चैतन्य महाप्रभु का विग्रह देखेंगे, पंचतत्व का ऐसे खड़े रहते हैं, बोले ले लो कितना चाहिए ले लो, हरिनाम ले लो। तो इस प्रकार से हरिनाम की बिक्री कर देते हैं, स्वयं को बेच देते हैं भगवान। तो इसीलिए एकादशी का व्रत जो है हर एक वैष्णव को करना चाहिए। तो हमने आज 5 निष्ठाएं देखी, कौन कौन सी निष्ठा सबसे प्रमुख, नाम निष्ठा दूसरी, वैष्णव सेवा निष्ठा तीसरी, तुलसी निष्ठा चौथी, भागवत निष्ठा और 5वीं एकादशी निष्ठा। तो ये 5 प्रमुख निष्ठाएं हैं वैष्णव की जो वो अपने गले में पहनता है। तो इसीलिए भक्तों को क्या करना चाहिए, अगर जो भी नहीं कर रहे हैं तो किसी प्रकार से मैं इस निष्ठाओं को बढ़ा सकूं, किस प्रकार से ज्यादा नाम जप कर सकूं, किस प्रकार से वैष्णव सेवा कर सकूं, किस प्रकार से मैं तुलसी की सेवा कर सकूं, किस प्रकार मैं श्रील प्रभुपाद जी के पुस्तकों को ज्यादा वक्त दे सकूं, किस प्रकार से एकादशी को और ज्यादा अच्छी तरह से पालन कर सकूं, इसी प्रकार वैष्णव को सोचना चाहिए। और जो भी 5 निष्ठाओं का पालन करेगा, दृढ़ता से निश्चय करेगा, वो क्या हो जाएगा, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम, अंतिम समय में उसे गोविंद जी का स्मरण होगा और गोविंद जी आकर उस भक्त को स्वयं अपने भगवत धाम लेकर चले जाएंगे। हरे कृष्ण। तो किसी का कुछ प्रश्न है क्या?